अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, दिस इज दानिश इफ्तिखार अगेन। आज जो वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बिगनर्स के लिए है, जो बिल्कुल इस इंडस्ट्री में नए नए हों और उनको केक की क्रीम को हैंडल करने की बिल्कुल समझ नहीं हो, तो उनके लिए जो है आज मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैंने कहा कि उनके लिए एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अक्सर यही सोच से ही इंसान रुक जाता है कि भाई किस तरीके से मैं इसको सीखूं, क्योंकि केक के ऊपर करती है तो केक ख़राब हो जाता है, केक में से क्रम्स आ जाते हैं। तो इससे पहले एक स्टेज ये है कि आपके पास जो केक का पैन है, मोल्ड है, इसको आप यूटिलाइज करें। इससे आप जो है जो भी आपकी क्रीम बची हुई है 10 दिन की 15 दिन की, आप फ्रिज में रखी हुई फ्रीज़र में रखी हुई उसको निकालें, उसको हल्का सा जो है स्पैचुला उसमें लगाएं, विस्क लगाएं, थोड़ी स्मूथ करें, देन आप जो है इस टिन के ऊपर ये रखें। ये एक टिन है, सही है, ये एल्युमिनियम का टिन आप ले सकते हैं और अच्छे से वॉश कर लें। और कोई भी इसके नीचे हैवी वेट, यानी कि ये तकरीबन 1 किलो वेट होगा इसका, ये ब्राउन शुगर है मेरे पास, इसको आप इसके अंदर रखें और फिर उसके बाद इसको अपसेट डाउन कर दें। ठीक है, अपसेट डाउन करने के बाद ये अब ये हिलेगा नहीं, ठीक है, हिलेगा नहीं। अब क्रीम इसके ऊपर आप 10 दफ़ा अप्लाई करें, 10 दफ़ा रिमूव करें, आपको कोई क्रीम तंग नहीं करेगी, क्रीम में क्रम्स नहीं आएंगे। तो ये सबसे इजी वे है, जो बिगनर्स हैं उनको आइसिंग सीखने का ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, जो मैंने इससे पहले वीडियोज में सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप क्रम कोटिंग करते हैं पहले स्पंज के ऊपर, वो भी एक तरीका होता है बिगनर्स के लिए, लेकिन जो बिल्कुल स्टार्टिंग के ना उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, एक हिचकिचाहट जो होती है वो भी नहीं होगी कि भाई मेरे केक खराब होंगे, एक दफा क्रीम खराब होगी, क्रम्स लग जाएंगे उसमें, फिर उसके बाद क्रीम कहीं यूज नहीं होगी, तो ये बेस्ट तरीका है। चलें, वीडियो को लंबी करने से बेहतर ये है कि मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ किस तरीके से बिगनर्स करेंगे। इसको जो है हम सेंटर में रखेंगे और फिर उसके बाद एक तरीका ये होता है, पाइपिंग बैग में आपने जो है क्रीम भरी और लाइन से इसको जो है इस तरीके से आप यहाँ पर लगाते जाएंगे और इसी तरह ऊपर भी लगाते जाएंगे। ठीक है ना, फिर एक तरीके से आधे इंच की जो है वो क्रीम इसमें लग जाएगी, देन आप इजीली उसको बस फ्लैटन करना होगा और वो भी एक तरीका है। ठीक है ना, वो ज़्यादातर लोग जो बिगनर्स होते हैं वो अपने केक के ऊपर करते हैं, लेकिन मेरी मतलब मेरा तरीका जो है अगर बताने का और मशवरा ये है कि अगर इस तरह के केक टिन में आप करेंगे तो आप क्रीम को लेके जैसे प्रोफेशनली हम करते हैं, क्रीम लिया आपने स्पैचुला में और ये रखा। ठीक है, आप मेरा पूरा स्टाइल देखिए कैसे मार रहा हूँ मैं, ये झटका दिया। ठीक है, ये झटका क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आपकी ये आदत नहीं होगी। देखिएगा जो मैं ये तरीका ना ये लगा के फिर उठाने की, इससे क्या होगा कि आपके क्रम्स भी आएंगे, इसमें नहीं आगे की बात करूँ तो, आप जब शुरू में ही जो है प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर है। अब आपने यहाँ पे जो है क्रीम रखी और इसको जो है स्पैचुला से कोशिश करेंगे कि हम एक साइड सिर्फ इसमें जो है क्रीम लगे, बैक साइड इसकी क्रीम ना लगे। आपने इसको जो है हल्के हल्के एक अगर कहा जाए तो इसको मारना है क्रीम को। ठीक है, और देखिए मेरी के जो स्पैचुला है वो आगे सेंटर, इस मोल्ड के सेंटर से आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, इसको इस तरीके से हमने लेवल करना है हर जगह मार मार के इसको। जब ये हर जगह इवनली स्प्रेड हो जाए, जब इवनली चली जाए, तब हम जो हैं इसको फिर ये इस तरीके से देखिए 1 2 मेरी क्रीम, मेरी नाइफ जब इस तरफ जा रही है तो ये यहाँ से उड़ जा रही है। ठीक है, अब दूसरी तरफ जाएगी तो फिर वहाँ से उड़ जाएगी नाइफ, पैलेट नाइफ आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर जब हर जगह इवनली स्प्रेड हो गई है तब हम इसको स्टेबल रख के अपने हाथ को इसको आराम आराम से केक स्टैंड को घुमाएंगे ताकि, और एक जगह स्टेडी रखेंगे अपने हाथ को, फिर ये जो है ये नहीं होगा कि कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, कहीं पे ज़्यादा क्रीम कहीं पे कम क्रीम, आपने इवन हो गया। अब आपने जो है इस निपटी नाइफ को अच्छे से क्लीन किया, या तो इस तरह का स्क्रैपर रखें आप और उसमें जो है ना अपनी नाइफ को क्लीन करते रहें। ठीक है, और फिर उसके बाद अब साइड में यहाँ पे इसको स्प्रेड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से, हमने जो है केक मोल्ड को टच नहीं करना है और फिर जितनी नीड होगी हम क्रीम लेते जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने भर के क्रीम ली और ज़्यादा हमने आगे नहीं जाना है। ये नहीं कि आपने क्रीम लेके, इतनी सी क्रीम लेके आप इसको समझो कि बस जहाँ तक
खत्म नहीं हो जाती, मैं इसको आगे बढ़ाता रहूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़े थोड़े स्टेप लें, फिर उसके बाद भले आप स्क्रैपर से या केक फॉर्म से जो है आप इसको इजीली कम कर देंगे जो हम एक्सेस क्रीम होगी। अब यहां देखिएगा किस तरीके से मेरी नाइफ मैं चला रहा हूं, ठीक है, हैंड मूवमेंट देखें इजीली। अब आप हर जगह इसको प्रॉपर तरीके से इवन लेके जाएंगे। अच्छा, मेक श्योर कोई भी जो है मोल्ड लेंगे आप उसके सेंटर में जो इनसाइड आपने हैवी चीज रखी है वो इतनी हैवी हो कि मोल्ड आपका ना हिले। अब यहाँ पे देखें क्रीम सारी जगह पे लेवल हो चुकी है। अब मैं एक कार्ड लूंगा इस तरह का, प्लास्टिक का कोई भी थोड़ा सा थिक कार्ड ले लेंगे, जिस तरह का आपका एटीएम कार्ड इस तरह का होता है। अब इसको जो है हम यहाँ पे रख के हल्के हाथ से सिर्फ प्लेन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से। मैं एक दफा इस एंगल से भी दिखा दूं, यहाँ पे रख के हमने इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से, हमने समझे प्रेशर देना ही नहीं है और एक जगह स्टडी रखना है ताकि अगर कहीं पे अनइवन, कहीं पे ज्यादा आपकी क्रीम लग गई है तो वो वहां से आपके कार्ड में आ जाए, ठीक। अब जहां पर जो है क्रीम जैसी यहाँ पर नहीं लगी हुई है और इस जगह पे, तो हम हल्का सा स्पैचुला में लेंगे और यहाँ हल्की सी हम लगा देंगे, ठीक है, थोड़ा बाहर निकले रही कोई इशू नहीं है, हम अभी कार्ड दोबारा से लगाएंगे, देन सब क्लीन हो जाएगा। अगेन हम कार्ड लेंगे और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे, ठीक। ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो इसमें केक कॉम होता है, जो कंघी होती है जिसको कहा जाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डिजाइन होते हैं। अब यहां जो है हम ऊपर से इसको शार्प एज देंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी। स्क्रैप किया आपने, क्लीन होनी चाहिए अपने नाइफ। फिर अगेन ये देखे मेरे हैंड मूवमेंट देखिएगा, यहां से लेके क्रॉस में जा रही है, नहीं हुआ कोई इशू नहीं है, अगेन हम करेंगे। लेकिन एक ही दफा में आप चाहेंगे कि सब जगह से लेवल हो जाए तो वो आपकी दूसरी चीज खराब कर देगी, ठीक है। अब यहां से आ जाएंगे जहां जहां आपके लेवल में आ रही है चीज, ठीक है। अब यहां जैसे है या अनइवन है कोई मसला नहीं, आपने हल्की सी क्रीम ली और फिर उसके बाद यहाँ पे हल्का सा जो है लगा दिया और फिर उसके बाद तो नाइफ को साफ किया, पैलेट नाइफ को, एंड देन दिस वन। अब ये जो अनइवन हुआ है इसको आपने अगेन कार्ड उठाया और बिल्कुल हल्के हाथ से ये देखिए क्लीन हो गया। इसको आपने यहाँ पे जरा सा भी देर करेंगे तो आपकी क्रीम जो है वो ड्राई होने शुरू हो जाएगी, जो कि हमें नहीं होने देना है, ठीक। बिल्कुल हल्के हाथ से रखिएगा, कोई इसमें प्रेस नहीं करना है हमने। अब हमने क्रीम कम नहीं करनी है, अब हमने सिर्फ इसको शार्प एज देना है और स्मूथ करनी है क्रीम को। ठीक हो गया। अभी देखिए हल्का सा मैंने केक स्टैंड को घुमाया और ये डन, ठीक है, केक आपका रेडी है। जिस तरह से आप चाहें, अगर दोबारा से आपको इसको दोबारा से प्लास्टर करना है, दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, सिंपल है, आपने इस क्रीम को हटाया, हम क्रीम निकालें, ये देखें आप, ये मैंने क्रीम जो है अभी इसमें से केक में से मोल्ड में से वाइप ऑफ की है, तो ये क्रीम है और बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई ज़र्रात नहीं, कोई किस्म की कोई पार्टिकल्स नहीं है। तो आप इसको दोबारा से स्पैचुला से मिक्स करें, अगर थोड़ी सी आपकी नरम हो रही है क्रीम, आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दें और फिर उसके बाद स्पैचुला मिक्स करके, या तो फिर अगर नीड हो तो फिर आप ये विस्क से भी, हैंड विस्क से भी जो है इसको
थोड़ी सी जान ला सकते हैं इसके अंदर और देन फिर आप इसको जो है कंटिन्यू करें। ओके व्यूअर्स, आपके सामने देखें यही क्रीम से मैंने जो है दो दफ़ा जो है मोल्ड को प्रैक्टिस की है, क्रीम लगाई है इसमें और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल शार्प एज के साथ प्रैक्टिस की है, तो जो भी बिगनर्स देख रहे हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो बेफिक्र होके इसको प्रैक्टिस करें। और ये याद रखिए कि प्रैक्टिस से ही इंसान सीखता है, कभी भी ऐसे नहीं होता कि पहली दफ़ा में जो है सीख जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आती हैं, तो कभी हिम्मत नहीं हारें और बिल्कुल मेहनत करते रहें। मेरी इसी तरह की वीडियोस और भी अभी आएंगी, रमज़ानों में भी आएंगी, ताकि आप लोग ईद में अपने घर में जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत से केक्स नए डिज़ाइन के साथ बना सकें और ऑर्डर वर्क कर सकें। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली भी हैं, लोग कह रहे हैं कि सर आप इतने दिनों बाद वीडियोस डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं नोटिफिकेशन जा रही। तो आप लोग प्लीज़ जो देखें शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक में, सब जगह पे शेयर करें। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल वीडियो है, तो लाजमी उनके साथ शेयर करें। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहें। इंशाल्लाह भी और वीडियोज़ आएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।